Hello students, in today's video we are going to continue aquatic habitat. Bachche, what do you mean by aquatic habitat? Aquatic habitat are the places that are full of water. वैसी places जो water से full होती हैं, and water is the medium for living organism to survive. वैसे habitat को aquatic habitat कहा जाता है. Now the plant which live in water are called aquatic plant, and animals that live in water is called aquatic animals. Clear? Now the plant that grows in water, वैसे plant जो water में grow करते हैं उनको hydrophytes कहा जाता है. Hydrophytes is made up of two words, hydro and phyte. Hydro means water and phyte means plant. Hydrophytes की अगर root की बात करें तो उनका root reduce होता है या absent होता है. Why? Because root have no functions. Okay? Hydrophytes की stem and उनके बाकी parts full of air cavities होते हैं. Means उनकी cavities के बीच में air होती भरी हुई होती है जो plant को float and respiration में help करती है. प्लांट की बॉडी स्लिपरी सब्सटेंस से कवर होती है जिसको म्यूसिलेज कहते हैं, एंड म्यूसिलेज उस प्लांट को डिके होने से प्रोटेक्ट करता है. कॉमन वाटर प्लांट्स के एग्जांपल है वेलिसनेरिया, वाटर हैकिंथ, वाटर लिली एंड लोटस. ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो क्रोकोडाइल्स जनरली स्टे इन मोर एंड इन मोर सॉल्टी वाटर. ये सॉल्टी वाटर में स्टे करते हैं, बट कुछ क्रोकोडाइल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में भी सर्वाइव करते हैं. एलिगेटर्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, वेटलैंड एंड रिवर्स. ओके, रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स के भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं. जैसे कि अगर हम स्नेक की बात करें या लीजर्ड की बात करें तो दे लिव इन ऑन और नियर फ्रेश वाटर हैबिटेट. या तो वो फ्रेश वाटर में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं. सो हम कह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंडर आते हैं. मीन्स इनका हैबिटेट कैसा है? फ्रेश वाटर है. अर्थ को हम एक निकनेम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट. ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्लैनेट में 3 पार्ट वाटर है एंड 1 पार्ट लैंड है. दैट्स वाई इट लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस. ओके, इस प्लैनेट में 96% वाटर सॉल्ट वाटर है. सॉल्ट वाटर को मेरीन वाटर भी कहते हैं, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ओशंस जो कि अर्थ को कवर किया हुआ है. ठीक है, इस ओशंस में भी क्या होते हैं? आपको पता है ओशंस में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. तो इस ओशन में भी क्या होता है? डिफरेंट टाइप के हैबिटेट बनते हैं जिनकी रेंज फ्रीजिंग पोलर आइस से लेकर ट्रॉपिकल कोरल रीफ तक होती है. फ्रीजिंग पोलर आइस का मतलब क्या हुआ? बहुत ठंडी वाटर. एंड ट्रॉपिकल मीन्स हो गया यहाँ पे वैसे वाटर जो 68 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास सर्वाइव करती है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू.